ग्वालियर के जनकगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने राजस्थान से तस्करी कर लाई गई 26 पेटी अंग्रेजी शराब पकड़ने में सफलता हासिल की है। पकड़ी गई शराब की अनुमानित कीमत 1,00,000 रूपये बताई गई है। दरअसल ग्वालियर के जनकगंज थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि अयोध्या नगरी इलाके में एक मकान में प्रतिबंधित शराब रखी होने की सूचना मिली। उसके बाद इस मकान में दबिश दी गई तो मौके से 26 पेटी अवैध शराब मिली। पुलिस के मुताबिक ये शराब अवैध रूप से राजस्थान से तस्करी कर लाई गई थी। पुलिस ने मौके से दो आरोपियों को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया है और पूछताछ शुरू की है। ये कल सूचना मिली थी रात में मुखबिर द्वारा कि एक मकान महेंद्र रावत के घर में अवैध शराब रखी हुई है, तो सूचना पर से पुलिस ने दबिश दी तो 26 पेटी ये राजस्थान की रॉयल शराब है वो बरामद हुई है। और इसमें मीरेंद्र सोनी और एक ये नरेंद्र रावत शैलेंद्र रावत इन लोगों को हम मौके पर पकड़ा। अब इनसे पूछताछ की जा रही है कि कौन मुख्य रूप से कौन कार्यकर्ता था क्या, तो इनके द्वारा प्रारंभिक पूछताछ में तो मकान मालिक का ही बताया गया और उससे जानकारी ली जाएगी। कौन सा ब्रांड है ये? अपने यहाँ तो प्राइवेट ट्रेड है, ये राजस्थान का है रॉयल के। ये कितनी पेटियाँ? ये 26 पेटियाँ।